हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल 2020 क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग लाए हैं आपके लिए वन मॉडल सेट पेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे इसके क्वेश्चन। तो देखिए कि ये है आपका मॉडल पेपर, जो कि एच नंबर का है। तो आपका ऐसा ही मॉडल पेपर रहेगा एग्ज़ाम में, तो आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको दे दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, तो इस नंबर उस नंबर पर कॉल करिए आप लोग, तो ये आपके पास, तो ये आपको परचेज़ कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आप अपने क्वेश्चन पर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए कि फर्स्ट में क्या है कि हमें निर्देश दिया है, जो कि पहला खंड है आपका मानसिक योग्यता परीक्षण, और दूसरा रहेगा आपका मैथ, और तीसरा रहेगा आपका गद्यांश। तो अनुभाग फर्स्ट में देखिए कि हमें मानसिक योग्यता परीक्षण करना है, तो इसमें निर्देश दिया है इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। लिखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि 1 चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें, अपने उत्तर काला को करें। तो दोस्तों, हमें इसमें यह बताना है कि कौन सी आकृति भिन्न है, तो वही आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए कि फर्स्ट में क्या है। ऑप्शन नंबर ए में पी है, जो कि नॉन वावेल है, तो पी नॉन वावेल है। और ई देखिए, AIEOU आपका वावेल होता है, जो कि ई भी आता है आपका वावेल में। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, आई भी आता है वावेल में। और ऑप्शन नंबर डी भी, जो कि ओ लिखा है, तो ओ भी आता है वावेल में, जबकि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट पी नॉन वावेल है, तो आपका फर्स्ट का फर्स्ट आंसर हो जाएगा, तो आपका बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है कि वी लिखा है जिसके नीचे एक लाइन खींची हुई है, और इसमें ओ लिखा है जिसके नीचे एक लाइन खींची है, और इसमें देखिए कि ये आकृति बनी हुई है जिसके नीचे एक लाइन खींची है, और ये आकृति में भी देखिए ऑप्शन नंबर डी में भी लाइन खींची, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए कि सब लाइनों से मिलकर बनी आकृति हो रही है, और इसमें देखिए कि एक गोला आकार की आकृति है, जो कि लाइन से नहीं मिलकर बनी है, तो आपका दूसरे का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि अगले क्वेश्चन में ये देखिए, ए त्रिभुज है, जो कि जिसके बीच में त्रिभुज देखिए ये कटिंग करके बना हुआ है, और ये आकृति जो ओ लिखी है, मतलब वृत्त है जो, वो पूरी आकृति बनी हुई है, और इसमें भी देखिए एक कटिंग किया गया है और एक पूरी आकृति बनी हुई है, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर सी में भी देखिए कट करके बना हुआ है ये आकृति, और ऑप्शन नंबर डी में भी देखिए कि ऑप्शन नंबर डी में एक भी आकृति कट नहीं की हुई है, तो आपका आप क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि ये आकृति है, जो कि ये ऐसी आकृति आपको बनी हुई है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर लाइन खींची हुई, और लाइन के इसके सामने ही जस्ट एक आकृति बनी हुई, जो कि कलर की गई है, और इसमें भी देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि इस लाइन के सामने ही ये आकृति बनी हुई है, और ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि इस लाइन के सामने ही इस ये वाली आकृति बनी हुई, और ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि इस लाइन से दूर बनी हुई है ये आकृति, तो आपका 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि 5 में क्या है निर्देश दिया है हमें, चलिए इस निर्देश को पढ़ते हैं कि इस आकृति में हमें क्या करना है। लिखा है कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में 1 प्रश्न है, प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है, उत्तर चित्र से उस उत्तर का चयन करें जो चित्र को प्रतिस्थापित करेगा, अपने उत्तर को OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों, इसमें संबंध बनाकर इस आकृति का उत्तर देना है, तो इसमें आपको अगली आकृति बताना है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी आपको वही बताना है। चलिए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक षष्ठभुज आकृति है जो कि 6 भुजाओं से मिलकर बनी हुई है। तो दूसरे में देखिए कि 6 भुजाओं के सामने ही ये वाली आकृति बन रही है जो कि ऐसी आकृति है। तो इसमें भी देखिए कि ये 4 भुजा हैं, तो 4 भुजाओं के सामने वाली आकृति बनेगी, कैसी आकृति बन जाएगी आपकी? तो ऐसी आकृति आपकी बन जाएगी जो कि यहाँ पर एक ब्लैक रह गया यहाँ पर। तो इस आकृति आपका कौन सी आकृति बनेगी दोस्तों? तो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक जो वृत्त बना हुआ है, तो वृत्त में देखिए 8 लाइनें खींची हुई है जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें खींची हुई हैं। तो ऐसा इस चित्र में भी होगा जो कि 8 लाइनें खींची होंगी, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 8 लाइनें खींची हुई हैं। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दोस्तों कि साथ में क्या है कि ये आकृति बनी हुई है जो कि यहाँ पर एक वृत्त ब्लैक किया गया और यहाँ पर एक लाइन खींची हुई है। और दूसरे में देखिए दोस्तों कि दूसरे में क्या है कि ये वाली आकृति यहाँ पर आ गई जो कि अपोजिट में इसके, तो ये वाली आकृति 2 को छोड़कर यहाँ पर आ गई ये वाली आकृति, और ये वाली आकृति जो लाइन है तो इसका अपोजिट यहाँ पर आ गई जो कि यहाँ पर है। देखिए तो ऐसा इस आकृति में भी होगा क्योंकि ये जो लाइन है तो इसका अपोजिट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा लाइन, और ये वाली आकृति जो कि ब्लैक है ये 2 डिब्बे को छोड़कर तीसरे में जाएगी तो यहाँ पर चली जाएगी। तो ये आकृति कौन सी बनेगी? तो 7 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि एक त्रिभुज है, एक वर्ग है और एक वृत्त है जो कि तीनों आकृति से, इसमें देखिए कि ये जो लास्ट वाली है, जो लास्ट वाली वृत्त है, तो वृत्त देखिए सबसे बड़ा हो जा रहा है और ये बीच वाला ऊपर चला जा रहा है आकृति, और ये आगे वाला जो त्रिभुज है ये नीचे चला आ रहा है। तो ऐसा इसमें भी होगा, जो लास्ट में है तो ये लास्ट में है ट्रेंगल, तो ट्रेंगल सबसे बड़ा हो जाएगा जो कि आपका ऐसा बन जाएगा। और इसमें देखिए कि ये वर्ग ऊपर जा रहा है तो बीच वाला इसमें भी ऊपर जाएगा और ये वर्ग नीचे आएगा, तो आपकी कौन सी आकृति बन जाएगी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में हमें निर्देश दिया है कि इस निर्देश में हमें क्या करना है इस आकृति में। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। लिखा है कि निर्देश, प्रश्न संख्या 9 से 12 में प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्र से उस उत्तर का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है इस आकृति में कि ये संबंध बनाकर ये आकृति भी है जो कि आपकी अगली आकृति थी वही उसी तरह है, तो ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी वही आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए दोस्तों, तो 9 में क्या है कि ये आकृति जो है ये एक वृत्त है जो कि इसमें कितनी लाइनें खींची हुई हैं? 1 2 3 और 3 इस तरफ भी खींची हुई है, और दूसरे में देखिए कि इस वाली तरफ की लाइनें एक कम हो जाए जो कि यहाँ पर देखिए 2, जो कि यहाँ पर 3 थी तो यहाँ पर हो गया कितना 2, एक कम हो गई। और तीसरे में देखिए कि तीसरे में अब ये वाली आकृति कम हो रही है, पहले वाली में ये और दूसरे वाली में ये कम हो जा रही है, अब तीसरे वाले में भी ये वाली कम हो जाएगी, तो कौन सी आकृति आपकी बनी? तो आपकी ऐसी आकृति बनेगी। तो ऐसी आकृति आपकी कहाँ पर रही दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि एक वृत्त है और यहाँ पर एक ब्लैक किया गया है वृत्त। तो दूसरे में देखिए कि वृत्त जो ब्लैक किया गया है और 2 खाने को छोड़कर यहाँ पर चला है जो कि यहाँ पर है, 2 खानों को देखिए, एक खाना ये और एक खाना ये, और इसमें देखिए और ये व्हाइट वाला वृत्त 1 खाना छोड़कर यहाँ पर आ गया जो कि यहाँ पर देखिए। अब तीसरे में भी ऐसा हुआ कि 1 खाना छोड़कर ये यहाँ पर चला आया, तो चौथे में कहाँ होगा? ये वाली आकृति आपकी यहाँ हो जाएगी जो कि 1 खाना छोड़कर आ रही है। और दूसरे में देखिए कि ये वाली आकृति जो कि 2 डिब्बों को छोड़कर आ रही जो कि यहाँ पर आ गई, तो यहाँ से 2 डिब्बे छोड़कर यहाँ पर आ गई और यहाँ से 2 डिब्बे छोड़कर यहाँ पे आ जाएगी जो कि आपकी दोनों आकृतियाँ एक ही जगह पर होंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, 11 में क्या है कि एक षष्ठभुज आकृति है और एक वर्ग है और एक वृत्त है और एक त्रिभुज है, तो ऐसी आकृति में कौन सी यहाँ पर आएगी? देखिए इसमें
कि जो लास्ट में था त्रिभुज, त्रिभुज देखिए पहले नंबर पे था और दूसरे इसमें देखिए कि दूसरे नंबर पे आ गया, ये वाली आकृति में दूसरे पर और ये वाली आकृति में तीसरे पर, और ये वाली आकृति में कहाँ पर आ जाएगी दोस्तों, तो आपकी आ जाएगी चौथे पर, तो लास्ट वाले पे आ जाएगी। और इसमें भी देखिए जो षष्ठभुज, अब देखिए एक वृत्त लीजिए तो वृत्त देखिए दूसरे पर था तो वृत्त तीसरे पर आ गया, इसमें देखिए कि एक दो तीन तीसरे पर आ गया, और तीसरे में देखिए कि चौथे पर आ गया, तो चौथे में कहाँ जाएगी, चौथे से फिर पहले पे आ जाएगी, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर देखिए वृत्त पहले में ही है और बाकी सब आकृतियों में नहीं है, तो आपका 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, तो 12 में क्या है कि ये मल्टीप्लाई का चिन्ह जो है इसमें देखिए कि दूसरे में इस कोने पर चला आ रहा है यहाँ पर, और तीसरे में यहाँ पर इस कोने पर, चौथे में यहाँ पर आ जाएगा, और ये वृत्त लीजिए यहाँ पर था और ये दूसरे कोने पर यहाँ पर चला आएगा, तीसरे पे यहाँ पर, और चौथे में कहाँ आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ पर इस कोने पर और ये जो वृत्त है यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कि चलिए इस निर्देश को पढ़ते हैं, इसमें निर्देश दिया है कि इस आकृति में क्या करना है, लिखा है कि प्रश्न संख्या 13 से 17 में बाई ए कॉमा बी कॉमा सी और डी से चिन्हित चार उत्तर चित्र दिए गए हैं, उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी आकृति सेम सेम है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं देखते हैं इस आकृति में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कि ऐसी आकृति कहाँ है जो कि यहाँ से यहाँ तक लाइन खींची हुई है, तो आपकी कौन सी आकृति सेम मिल रही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए दोस्तों, तो ये आकृति कहाँ पर आपकी मिल रही है जो कि ऐसी आकृति बनी हुई है, तो ऐसी आकृति आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल रही है, तो आपका 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए अगले क्वेश्चन में दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कि ये आकृति जो बनी हुई है ये ऐसी आकृति, तो ऐसी आकृति आपको कहाँ मिल रही है, तो 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही आकृति मिल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, इसमें क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए दोस्तों, ये आकृति देखिए, ये तीर इस तरफ जा रही है और ये तीर इस तरफ और ये तीर इस तरफ और ये तीर इसके तरफ ही है जो कि यहाँ पर है, तो आपकी कौन सी आकृति हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कि 17 में क्या दिया गया है, कि लिखा है कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, दाएं ओर दिए गए उत्तर चित्र ए कामा बी कामा सी और डी पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके, अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों इसमें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी वही आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए दोस्तों कि ये वाली आकृति जो कि ये वाली आकृति का इसका अपोजिट ये बन जा रहा है जो कि इसे पलट कर ऐसी आकृति बन जा रही है, तो इससे पलट कर कौन सी आकृति बन जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सी आकृति होगी आपका, तो आपका देखिए कौन सी आकृति होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें पहले पर देखिए तीन लाइनें थी, इसमें भी तीन लाइनें पहले पर और इसमें भी तीन लाइनें पहले पर, तो इसमें भी आकृति में तीन लाइन पहले पर हो जाएगी, और इसमें देखिए कि लास्ट में देखिए कि लास्ट में जो आकृति है इसमें दो लाइनें हैं और इसमें भी दो लाइनें हैं और इसमें भी दो लाइन है, तो यहाँ पर भी आकृति में आपका दो लाइन हो जाएगी, तो ऐसी आकृति कहाँ पर मिल रही, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 19 में ये आकृति कैसी पूर्ण होगी, तो ये आपको बताना है। तो ये आकृति देखिए एक त्रिभुज के आकार की बन रही, तो यहाँ पर भी त्रिभुज के आकार की बननी चाहिए जो कि ऐसे बनेगी, और यहाँ पर देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है तो यहाँ पर भी एक चतुर्भुज बनना चाहिए जो कि ऐसे, और ये आकृति देखिए हर एक
डिब्बे में ऐसी आकृति बन रही है तो ऐसी आकृति इसमें भी बननी चाहिए। जो कि कैसी आकृति होनी चाहिए आपका, तो आपका होनी चाहिए ऐसी आकृति। तो ऐसी आकृति कहाँ पर बन रही है आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सी आकृति होगी, देखिए कि एक हर एक खाने में प्लस का चिन्ह बन रहा है। देखिए इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस और इसमें भी प्लस, तो इसमें भी प्लस बनना चाहिए, तो ये बन गया आपका। ये देखिए इसमें भी दो लाइनें जा रही हैं यहाँ पर, देखिए और यहाँ पर इसमें भी और इसमें भी इस आकृति में, तो यहाँ पर भी जाना चाहिए, जो कि ऐसी आकृति होगी। तो आपकी कौन सी आकृति बनेगी, तो आपका ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए निर्देश दिया है हमें, तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। लिखा है कि प्रश्न संख्या 21 से 24 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए कामा बी कामा सी और डी पर चिन्हित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो मतलब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि ये दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि जहाँ पर जिस आकृति के सामने XY दर्पण रखा गया है, तो उस दर्पण का, उस आकृति का अपोजिट आकृति कौन सी होगी। चलिए हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कि ये आकृति जो है, तो ये वाली आकृति जो कि है, तो यहाँ पर दर्पण रखा गया, तो इसका अपोजिट आकृति कौन सी होगी। तो इसका अपोजिट आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, सॉरी दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ये जो आकृति थी यहाँ पर बनी है, तो ये सेम है आकृति, तो इसके सामने ही आकृति होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर देखिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन नंबर 22 पे देखिए कि ये आकृति है जो कि यहाँ पर है XY दर्पण, तो इसका अपोजिट आकृति कौन सी हो जाएगी। तो इसका अपोजिट आकृति हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, ये आप लोग ये क्वेश्चन एक बार हल कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि ये आकृति के सामने यहाँ पर दर्पण रखा गया है, तो इसका अपोजिट आकृति कौन सी होगी। तो इसका अपोजिट आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि इस आकृति के सामने यहाँ पर दर्पण रखा गया है, तो आप लोग एग्जाम में देख लीजिएगा कि यहाँ पर भी दे सकता है दर्पण, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इस आकृति में यहाँ पर दिया है, तो इसका अपोजिट आकृति कौन सी होगी। तो इसका अपोजिट आकृति होगी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, 25 में हमें निर्देश दिया कि इस आकृति में क्या करना है। चलिए इसे पढ़ते हैं। लिखा है कि प्रश्न संख्या 25 से 28 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज कामा वर्ग एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ए कामा बी कामा सी और डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों इसमें यह बताना है कि आपको अधूरी आकृति दी रहेगी, तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा ये पूरी आकृति करने के लिए, तो ये आकृति को मिलाने पर जो आकृति आपको पूर्ण आकृति बन जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि ये जो आकृति है आपकी, ये दिख रही है आकृति, तो आपकी आकृति इसमें कौन सी आकृति आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन, सॉरी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ये आकृति जो बन रही, तो ये आकृति यहाँ पर भी बन रही है जो कि इस आकृति में नहीं बन रही, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सी आकृति होगी आपका। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो आकृति आपकी बन रही है ऐसी आकृति बनेगी, तो ऐसी आकृति आपकी ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रही है, तो आपका 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, ये वाली आकृति जो है, तो ऐसी आकृति कहाँ पर बनेगी जो कि ऐसी आकृति हो, तो ऐसी आकृति आपकी बनेगी,
तो ऐसी आकृति आपका 27 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए दोस्तों, ये जो आकृति है, तो इस आकृति में कौन सी आकृति आ जाएगी जो कि एक आकृति का निर्माण करेगी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यही आकृति आपका निर्माण करेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए दोस्तों, 29 में क्या है, निर्देश दिया है कि इस आकृति में हमें क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। लिखा है कि प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए कॉमा बी कॉमा सी और डी से चिन्हित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपी या सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों, इसमें हमें छिपी आकृति बताना है कि ये जो आकृति आपकी बनी है, ये जो आकृति आपकी बनी कौन सी आकृति में छिपी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कि ये जो आकृति आपकी बनी हुई है, तो ये आकृति कहाँ पर छिपी हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में छिपी हुई है, क्योंकि देखिए ये आकृति आपकी कहाँ बन रही है, तो ये वाली आकृति आपको ऑप्शन नंबर सी में ही बन रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आप बताइए कौन सी आकृति होगी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये आकृति जो है, तो ये वाली आकृति आपकी यहाँ पर बन रही है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 31 में ये वाली आकृति कहाँ पर बन रही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें ये वाली आकृति जो की है, तो ये वाली आकृति आपको इसमें बन रही है। तो आपका 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 32 में कौन सी आकृति आपकी आंसर होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ऐसी आकृति जो बनी है, तो ऐसी आकृति आपको यहाँ पर बन रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये आकृति आपकी बन रही है। तो आपकी 32 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए कि हमें निर्देश दिया है, चलिए इस निर्देश को पढ़ते हैं। लिखा है कि संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न से चिन्हित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए कॉमा बी कॉमा सी और डी चित्रों से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध करें जिसे प्रश्न चित्र में कट आउट से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों, इसमें ये बताना है कि आपको अलग अलग आकृति दी रहेगी, तो आपको इन सभी आकृतियों को मिलाकर एक आकृति का निर्माण करना है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए कि ये आकृति देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, ये यहाँ पर भी त्रिभुज है, और ये आकृति देखिए दो त्रिभुज से मिलकर बनी हुई है। तो कितने त्रिभुज हुए, चार त्रिभुज। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें भी देखिए कि चार त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन और चार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए दोस्तों कि दो त्रिभुज हैं, एक वर्ग है और एक चतुर्भुज है, तो ये आकृति आपकी कैसी बनेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ग है, तो ये वर्ग आपको यहाँ पर मिल रहा है, और ये जो आकृति है आपकी चतुर्भुज, तो ये चतुर्भुज आपका यहाँ पर मिल रहा है, और ये जो दो त्रिभुज हैं, ये दो त्रिभुज यहाँ पर मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर हैं। तो 34 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि एक पंचभुज आकृति बनी हुई जो कि छः भुजाओं से छह त्रिभुज हैं, तो ये आकृति आपकी कौन सी होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी देखिए कि छह त्रिभुज हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। तो आपका 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखिए कि पांच ही त्रिभुज हैं जो कि छह त्रिभुज रहना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए दोस्तों कि चार आयत हैं, चार आयतों से एक चित्र बनाना है आपको, तो कौन सी आकृति बनेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो छोटा वाला ये आयत है, तो आपका यहाँ पर है, और ये जो दो बड़े वाले आयत हैं, तीन बड़े वाले आयत हैं, तो ये वाला आयत यहाँ पर है आकृति, और ये दोनों आकृति यहाँ पर हैं। तो आपका 36 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर, अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए कि निर्देश दिया है, चलिए इस निर्देश को हम लोग पढ़ते हैं कि इस आकृति में क्या करना है। लिखा है कि प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाएं ओर चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया
तथा दाईं ओर ए कॉमा बी कॉमा सी और डी से चिन्हित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के एक टुकड़े के तहत को खोलने पर वह किस प्रकार दिखेगा, वैसा ही चित्र उत्तर चित्रों से चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब दोस्तों इसमें यह बताना है कि आकृति को मोड़कर उसमें पंच करके मतलब कटिंग किया है और उस आकृति को खोलने पर जो आकृति बनेगी आपका वही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए कि ये आकृति देखिए कि एक आयत है जिसको चार बार मोड़ा गया है त्रिभुज आकार में। तो यहाँ पर एक कटआउट बनाया गया है, तो ये जब दूसरी बार खोलेंगे तो यहाँ पर भी वृत्त आ जाएगा, और ये जब तीसरी बार खुलेगा तो पूरा खुलेगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा वृत्त और यहाँ पर भी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए दोस्तों कि इस ये आकृति भी मोड़कर बनाई गई, तो आपका कौन सी आकृति, जो कि ये मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, सॉरी, तो ये नहीं है आपका। तो यहाँ पर देखिए कटिंग किया गया जो कि दो वृत्त हैं, तो चार बार जब खोलेंगे तो आठ वृत्त हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए दोस्तों कि ये आकृति यहाँ से मुड़ी है और यहाँ से मुड़ी, जो कि यहाँ पर देखिए, देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर कट आउट किया गया है, तो ये दोबारा खोलेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा और इसमें भी यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पर। तो क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए दोस्तों, तो 40 में कि इस आकृति को इस तरह मोड़ा गया है, तो जब इस आकृति को दोबारा खोलेंगे तो ये वाला त्रिभुज आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये दो त्रिभुज यहाँ पर और ये दो त्रिभुज यहाँ पर, जो कि ये वाली आकृति का एक ही त्रिभुज, दो त्रिभुज ही जाएंगे, क्योंकि चार त्रिभुज क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ तक ये आकृति जाएगी तो बाहर चला जाएगा। तो आपका कौन सी आकृति होगी दोस्तों, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम अनुभाग सेकंड में, जो कि गणित में चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए कि इसमें क्या पूछ रहा है, लिखा है कि 18 सहित 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। मतलब जब आपको चतुर्थांश पूछे दोस्तों, तो आप लोग क्या कर दीजिएगा उसमें 1/4 का भाग। तो चलिए हम हल करते हैं, लिखा क्या है इसमें देखिए कि क्या लिखा है, 18 सही 3/4 लिखा है, तो इसे हल करने पर कितना आएगा दोस्तों, तो 18 चौक 72, 3 75/4 आ गया। तो 75/4 को 1/4 से आप लोग भाग दे दीजिए, तो 1/4 से आप लोग भाग देंगे जब, तो ये देखिए आप लोग जानते हैं कि क्या है कि 75/4 जो है इसका भाग देने पर ऐसा हो जाएगा 1/4 भागे, तो ये देखिए आप लोग जानते हैं कि जो संख्या भाग में है तो संख्या पलट जाएगी गुणा में करने बदलने के लिए, मल्टीप्लाई में बदलने के लिए। तो ये 4 से 4 कटा, तो ये बचा कितना आपका, 75 बचा, तो आपका यही चतुर्थांश हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कौन सा, 41 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 पर देखिए दोस्तों कि लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अवरोही क्रम में निरूपित है। मतलब अवरोही मतलब आपका क्या होता है, घटते क्रम, बड़े से छोटे, और जब आप लोगों को आरोही आ जाए तो छोटे से बड़े, और अवरोही यहाँ पर है तो बड़े से छोटे हो जाएगा। तो आपका 42 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका, 42 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आप लोग हल करके बताइए इसमें कौन सी आएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए अगले क्वेश्चन में दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि लिखा है कि 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी में, चीनी से 1/16 ग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आप लोग ऐसा क्वेश्चन में आप लोग बस भाग दे दीजिएगा, आपका वही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसे करते हैं, लिखा क्या है आप लोगों का, तो लिखा है आपका 3 सही 1/4, तो 3 सही 1/4 लिखा है, तो इसे हल करने में कितना आएगा आपका, 4 3 12 1 13, 13/4 आपका आया, तो इसे 1/16 से आप लोग भाग दे दीजिए। तो इसे 1/16 से भाग देने पर कौन सी आएगा, कितना आएगा, तो इसे ये देखिए दोस्तों आप लोग संख्या पलट जाएगी तो 16/1 हो जाएगा, तो 4 को जब भाग देंगे 16 में कितना आएगा, 4 आ जाएगा, तो 13 और 4 का गुणा क्रम कितना आएगा, 52, मतलब 52 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो 43 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर अगले क्वेश्चन में। तो 44 पे देखिए दोस्तों, इसमें लिखा है क्या कि
किसी संख्या के 2/3 का 1/5 के 2/5 मतलब माना संख्या, तो क्या करना है? तो लिखा है माना संख्या, आप लोग मानिए, माना संख्या यक्स। तो इसमें क्या कह रहा है कि यक्स के 2/3 का 1/5, यक्स का मतलब गुणा होता है 2/3 के मतलब भी आपका गुणा होता है 2/3 का 1/5 के 2/5 होगा, 1/5 का 2/5 क्या होगा दोस्तों? तो 36 आपको दिया है, तो 36 तो इक्वल 36 हो जाएगा। तो अब हम लोग हल करते हैं, मतलब x का मान निकालते हैं, तो क्या आएगा आपका? देखिए इसमें कि 2 18 2 36, 2 9 18, तो आपका क्या आएगा? इसका इन तीनों को गुणा करने क्या आएगा? 75 आ जाएगा आपका, तो x बटे 75 हो जाएगा आपका, तो इक्वल क्या है? 9 है। तो तिर्यक गुणा हो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब यक्ष का 1 में गुणा और 75 का 9 में, तो यक्ष इक्वल 75 का 9 से आपको गुणा करने पर क्या आएगा आपका दोस्तों? तो आपका आ जाएगा 475, तो 475 आ गया। सॉरी दोस्तों, आपका आएगा 675 आ जाएगा, तो 675 आ गया आपका यक्ष का मान। तो संख्या हमारी आ गई कितनी? 675। तो अब क्या कह रहा है, इस संख्या का 120% क्या होगा? तो 675 का 120% आप लोग निकाल लीजिए। तो एक परसेंटेज मतलब नीचे, मतलब परसेंटेज मतलब 100 होता है, तो 100 कहाँ पर? नीचे चला जाएगा आपका। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 यहाँ पर कटा आपका, तो 2 6 12, 2 5 10, तो आपको 5 से ये भाग देने पर क्या आ गया? 5 1 5, 3 75, तो 135। और 135 और 6 का गुणा करने पर कितना आएगा आप लोगों का दोस्तों? तो आपका आ जाएगा 810 आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो 44 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 45 पर। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है कि 84 मीटर कपड़े के थान से 1.12 मीटर कितना लंबा टुकड़ा काटा जा सकता है? मतलब 84 आपको टोटल दिया हुआ है, मतलब टोटल कपड़ा कितना दिया है आपका? 84 मीटर, तो इसका 1.12 मीटर कपड़ा, इसमें कितना कपड़ा काटा जा सकता है, कितने टुकड़े? तो 84 से भाग दे दीजिए आप लोग, तो 112, ये जो 0.2 अंक के बाद लगा है, तो ऊपर 1 लगा के 2 0 हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर वाला नीचे आता है और नीचे वाला ऊपर जाता है। तो इसे हल करने पर क्या आएगा दोस्तों? तो इसे हल करने पर आप लोग देखिए कि इतना आएगा 56, और ये देखिए 21 2 42, और 2 2 4 2 8 16, तो 7 3 21, 7 4 28, और 4 से 100 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 25, तो 25 75, मतलब आपका 75 टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका 45 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 46 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, 46 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में लिखा है कि 25 व्यक्ति का समूह का औसत आयु 17 वर्ष है, एक व्यक्ति के समूह से बाहर जाने से औसत आयु 6 माह घट जाती है, और 12 बाहर जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या है? तो मतलब दोस्तों हमें आयु बताना है बाहर जाने वाली व्यक्ति की। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं। इसमें क्या है, 25 व्यक्ति का औसत आयु कितना है? 17 वर्ष है। औसत बराबरी क्या होता है? औसत बराबरी आपका होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो औसत हमका औसत क्या दिया है हमको? तो औसत आपको हमको दिया है 17 वर्ष, तो 17 वर्ष दिया है, तो औसत की जगह 17 वर्ष लिख देते हैं। और इसमें क्या कह रहा है कि 25 व्यक्ति, मतलब कुल संख्या दिया है हमको, कुल संख्या कितना दिया है? 25 वर्ष बटे 25 है, और कुल योग हमको नहीं पता है, तो ये योग ऐसे लिख लीजिए। तो इसे तिर्यक गुणा करने पर, मतलब इसे हल करने पर कितना आएगा आपको दोस्तों? तो आपका आ जाएगा 425, हमारा योग निकल आया 425। अब क्या कह रहा है दोस्तों? तो इसमें से एक एक व्यक्ति चला जाता है, तो कितने व्यक्ति बचते हैं? तो कुल 25 व्यक्ति थे, तो एक व्यक्ति चला गया, मतलब माइनस हो जाएगा, तो 24 व्यक्ति बचे, और कितना आयु घट जा रही है दोस्तों? तो इसका 6 माह घट जा रहा है, 6 माह। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 17 वर्ष था, तो यहाँ माह है, तो माह को वर्ष में हम बदलेंगे, यूनिट बराबर कर लेंगे, तो माह को मतलब महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 वर्ष हो जाएगा।
तो 1/2 वर्ष इसमें भी घटा देंगे जो कि 17 वर्ष था ना, तो आपका पहले 17 था तो इसमें 1/2 वर्ष निकल जा रहा है तो 17 घटा देंगे, तो इसमें घटाने पर कितना आएगा, 33/2 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका योग निकाल लीजिए आप 24 × 33/2 का, तो इससे 12 आ जाएगा आपका। तो 12 और 32 का गुणा करने पर क्या कितना आएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 396। अब पहले कितना आया था, पहले आपका आया था 425 और बाद में कितना आया निकलने के बाद 396, तो ये टोटल में से हटा देंगे आपको तो वही निकल आएगा। तो 425 − 396, तो इसे घटाने पर कितना आएगा दोस्तों, तो इसे घटाने पर 29 आ जाएगा। तो 29 वर्ष उस व्यक्ति की आयु था। तो चलिए चलते हैं आप, ये इसमें देखिए कि 46 का 29 वर्ष आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 47 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए दोस्तों, तो 47 में क्या लिखा है कि 20 रुपये के नोट से 20 पैसे के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। मतलब दोस्तों हमें इसमें ये बताना है कि 20 नोट से, मतलब 20 रुपये के नोट से 20 पैसे कितने सिक्के बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 20 रुपये आपका था, तो यहाँ पर 20 रुपये था आपका, और कितना बनाना था आपको, तो आपको 20 पैसे के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं ना, तो 20 ये पैसा है, तो इसे आप पहले आप यूनिट बराबर कर लीजिए। तो इसमें 20 रुपया, तो 20 रुपये को पैसे में बदलने के लिए, मतलब रुपया को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो 1 रुपये में 100 पैसा, तो 20 रुपये में 2000 पैसे हो जाएंगे। तो 2000 पैसे में 20 20 पैसे का कितने सिक्के बनेंगे ना, तो आप 20 से भाग दे दीजिए, तो 20 से भाग दें कौन सी आए कितना आएगा, तो 100 सिक्के बनेंगे 20 पैसे के। तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा था हमें, तो इसमें लिखा है कि मीना 15 दिनों से बीमार थी, यदि प्रत्येक दिन में 2 बोतल पानी चढ़ाया गया जिसका मूल्य क्रमशः 12 रुपये तथा 18 रुपये हो, तो 15 दिन में कुल कितना खर्च आएगा। मतलब दोस्तों हमें 2 बोतलों का मूल्य दिया गया है, एक बोतल का मूल्य 12 और दूसरे बोतल का मूल्य 15। तो चलिए देखते हैं, 15 दिन में वो बीमार थी, मतलब 15 दिन वो बीमार थी, तो ये 12 रुपये का बोतल का हम निकाल लेते हैं। तो 12 रुपये का 15 से गुणा करने पर कितना आएगा दोस्तों आपका, तो आपका आ जाएगा 180, इतने रुपए हो गया। और इस अब 15 का निकाल लेते हैं, तो सॉरी दोस्तों आपका क्या दिया था इसमें देखिए कि 12 रुपये था और 18 रुपये, मतलब दूसरे बोतल का मूल्य क्या था, 18 रुपये। तो 18 18 से हम लोग भाग देंगे, तो 18 और 15 का मल्टीप्लाई करें, मतलब गुणा करने पर कितना आएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 18 और 15 का गुणा करने पर आपका आ जाएगा 270 रुपया। तो टोटल हमसे पूछ रहा था कितने रुपया लगेगा उसमें, तो 270 और 180 जोड़ देंगे हम लोग, तो 270 और 180 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 450, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो देखिए इसमें इसमें भी क्या कह रहा है कि 450 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर हम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए अगले क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है, कि लिखा है कि 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। मतलब दोस्तों हमें इसमें यह बताना है कि 5:4 को प्रतिशत में लिखना है। तो देखिए इसमें क्या है, 5:4 हमको दिया है दोस्तों, तो 5:4 हमको दिया है, तो 5:अनुपात मतलब क्या होता है दोस्तों, भाग होता है, तो 5/4 हो जाएगा आपका। इसको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे हम लोग, तो 100 से जब गुणा करेंगे तो इसका आएगा 25, आपको भाग देने पर 25 और 5 के गुणा करने पर कितना आएगा दोस्तों, 125 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि लिखा है कि तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 72 है। तो मान लीजिए दोस्तों कि 3.6 का एक्स परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा, तो कितना है दोस्तों 12 है, देखिए कितना दोस्तों है 72 है, तो 72 ग्राम है दोस्तों। तो ये 3.6 किलोग्राम है और ये 72 किलोग्राम, तो 72 किलोग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं,
और इसमें भी देखिए कि एक अंक के बाद अभी दशमलव है तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ पर 1000 से 1000 कटा जो कि भाग में था, और ये 36 दूना 72 और x का मान आ गया आपका मतलब 2 आ गया, तो आपका 2 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो 2% आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51 में क्या है कि एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर मतलब विक्रय करने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब कितने में खरीदा वो वस्तु का क्रय मूल्य है दोस्तों, तो आपको बताना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, मतलब दोस्तों यहाँ पर लाभ होगा तो प्लस होगा और हानि होगी तो माइनस। तो चलिए देखते हैं हम लोग करते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि 600 में विक्रय मतलब 600 हमारा विक्रय मूल्य है, 600 गुणे 100 बटे कितना परसेंटेज का लाभ होता है, तो उसे 20% का लाभ होता है, तो 120 हो जाएगा, 100 में जुड़ जाएगा तो 120, तो इसे भाग देने पर 12 5 60 और 100 को गुणा 5 में करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 500 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका 51 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 52 में क्या लिखा है कि इसमें है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 10.80 हो जाएगा, तो आपको बताना है, तो आप लोग ये कमेंट में आंसर दीजिएगा, तो ये मतलब कि साधारण ब्याज के सूत्र पर लगेगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 53 पर, अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए कि क्या है कि लिखा है कि मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ, तो क्या कह रहा है वह संख्या कि दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य हैं, मतलब लगातार अभाज्य वाली संख्या है, तो लिखा है कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, मतलब उन दोनों अंकों का योग 3 से भाग हो जाएगा और 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा, तो आपका तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 23 लीजिए पहला ऑप्शन, इसमें क्या है कि दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर क्रमिक अभाज्य हैं, तो अभाज्य दो अभाज्य संख्या, तो क्रमिक अभाज्य संख्या है ये, तो इनमें से देखिए कि लिख क्या कह रहा है वो संख्या कि अंकों का योग 3 और 4 से विभाज्य, तो इन दोनों के अंकों की योग करिए, 3 2 5, तो 5 4 से विभाज्य नहीं है ना 3 से है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हुआ। तो क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर 2 में देखिए कि 35 है, तो इसमें भी क्रमिक स्थान से हैं अभाज्य संख्या और 3 और 5, तो इस इनमें देखिए कि अंकों का योग 3 और 4 से मतलब विभाज्य हो जाएगा, तो इसमें देखिए कि 5 3 8, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं होगा और 4 से विभाज्य हो जाएगा, तो ये भी गलत क्योंकि दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो इसमें देखिए 13 लीजिए, 13 1, इसमें भी देखिए कि दो अंकों का योग 3 और 4 से विभाज्य होगा या नहीं, इसमें देखिए कि 13 3 1 4 हो जाएगा आपका, 4 तो विभाज्य हो जाएगा 4 से, लेकिन 3 से नहीं होगा, तो आपका ये भी गलत, और बचा आपका 57 मतलब 57 आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि इसमें भी देखिए कि लगातार मतलब अभाज्य संख्याएं भी हैं 5 और 7, और इन दोनों का योग भी विभाज्य हो जाएगा, 7 5 12, 3 से भी विभाज्य हो जाएगा और 4 से भी विभाज्य, तो आपका 53 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों, 54 में क्या है कि एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को आयत का रूप दिया गया, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब दोस्तों आयत देखिए आयत क्या कहलाता है, तो आयत ऐसा होता है जो कि ये आकृति मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजाएं इसके बराबर और ये भुजाएं इसके, तो हमें क्या दिया गया है, तो चौड़ाई दी गई है आयत की, तो आयत की चौड़ाई मतलब टोटल हमारी लंबाई 180 सेंटीमीटर थी तार की, 180 सेंटीमीटर थी, तो इसमें देखिए कि चौड़ाई हमें 30 दी गई है, तो जब 30 ये हुई तो 30 ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों चौड़ाई आयत की हमेशा लंबाई लंबाई के समान होती है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, तो इसमें देखिए 30 इसमें भी बराबर और 30 इसमें भी ये हो जाएगा, तो 30 30 60, तो 180 में 60 घटाने पर कितना आएगा 120, बचा आपका 120, तो 120 में देखिए कि दो दो लंबाई है तो 2 से भाग देंगे तो 60 आ जाएगा आपका,
तो 60 ये लंबाई हो गई और 60 ये लंबाई, मतलब 60 हमारी लंबाई आ गई, तो आपकी कौन सी हो जाएगी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 55 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कि 55 में क्या है लिखा है कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, इसे काट कर 4 बराबर वर्गों से विभाजित किया गया, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब जिसकी भुजा मतलब 4 सेंटीमीटर भुजा है दिया है आपको, तो 4 बराबर भागों में काटना है, तो कितनी आएगी? एक एक भुजा आएगी, मतलब एक एक सेंटीमीटर की भुजा आएगी, तो उस छोटे वर्ग के क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है आपको, छोटा वर्ग क्या हो जाएगा? एक एक सेंटीमीटर का सब वर्ग हो जाएगा, तो उन वर्गों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक का स्क्वायर, मतलब वर्ग का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग भुजा मतलब भुजा स्क्वायर होता है, भुजा क्या है हमारी? एक, तो एक के स्क्वायर करने पर कितना आएगा? एक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 56 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए, 56 में क्या है लिखा है कि एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है, बस की गति प्रत्येक घंटे में 10 किलोमीटर प्रति बढ़ाया जाता है, 200 किलोमीटर की दूरी की बस कितनी देरी में तय करेगा? तो 56 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये कमेंट में हल बताइएगा आप लोग कि क्या आता है आप लोगों का। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 में कि क्या कह रहा है। तो लिखा है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर के पुल को 8 सेकंड में पार कर लेती है, 600 मीटर लंबे पुल को कितने पार करने में और रेलगाड़ी कितना समय लेगी? तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो लिखा है कि 300 मीटर लंबी, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो रेलगाड़ी की लंबाई आपकी है 300 मीटर, और प्लेटफार्म की लंबाई क्या है? प्लेटफार्म की लंबाई क्या है आपकी? तो प्लेटफार्म की लंबाई आपकी है 500 मीटर। देखिए 500 मीटर है, तो प्लेटफार्म की लंबाई 500 है, तो जब रेलगाड़ी जाएगी तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, तो 300 प्लस 500, 300 प्लस 500 800 मीटर हो जाएगा आपका। तो आपको देखिए कितने समय पार कर जा रही है, तो 8 सेकंड में पार कर जा रही है, तो 8 सेकंड में, तो 8 से इसमें भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो अब क्या कह रहा है, तो 600 मीटर पुल को पार करने में कितना आ जाएगा? तो 600 से भाग देंगे आप लोग 100 में, तो आपका आ जाएगा 6 सेकंड, मतलब समय आ जाएगा। तो 6 सेकंड आपका समय आ गया, तो 6 सेकंड आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि 57 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या है लिखा है कि निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा। लिखा क्या है, 3 2 4 3 5 4, 3 2 4 5 4, 3 2 4 3 5, और 4 6 5 7, 4 6 5 7। तो इसका अगला पद मतलब यहाँ पर कौन सा अंक आएगा? तो इसमें देखिए कि आप लोग संबंध बनाइए, कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें कुछ भी संबंध बन सकता है, तो ज़रूर बनाइए आप लोग। इसमें क्या है कि 3 से यहाँ पर देखिए 4 हो जा रहा है, और 4 से यहाँ पर 5, और 5 से यहाँ 6, 6 से यहाँ 7, और इसमें देखिए कि ऊपर ये 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, अब इसकी बारी आ गई 5 से, कितना हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा, तो आपका 6 आंसर हो जाएगा। तो 58 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 59 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए कि क्या है लिखा है कि यदि किसी संख्या और उसके 2/5 के बीच का अंतर 72 का अंतर है, तो वह संख्या, तो वह संख्या मानिए दोस्तों, तो संख्या मानिए यक्स, तो वह जो संख्या है तो उसका क्या हो जाएगा? 3x/5 हो जाएगा, जो यहाँ पर दिया गया 2x/5, सॉरी दोस्तों, तो 2x/5 हो जाएगा, तो उसका बीच का अंतर कितना है दोस्तों? 7200। तो ये संख्या और इसके बीच का अंतर, तो 2x/5 घटा देंगे, अंतर कितना में दिया है? 72। तो आपका ये समीकरण बन गया, तो इसी को हल कर लीजिए। इसमें क्या है कि 5x, x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x हो जाएगा, तो 5x-2x/5, तो इक्वल 72 दिया है आपको, तो 5x में 2x गया 3x, 3x बचा और 5 इक्वल 72, तो ये इक्वल पे है, तो इक्वल मतलब भाग होता है दोस्तों, तो ये इसे हल करने पर कितना आएगा? 24। तो 24 3 गुणा हो जाएगा, मतलब इसका इसका गुणा, और यहाँ पर 1 मान लीजिए, और x और 1 का गुणा, x और 1 का गुणा करने पर x आएगा, और 24 5 120, तो आपका 120 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं
अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है कि 2 सही 4/5, उस 4/5 को उसके व्यतिक्रम से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। मतलब आप लोगों को इसका एक हिंट दे दे रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में हमें आंसर बताइएगा इसका, कि व्यतिक्रम मतलब उल्टा होता है, तो इसका भिन्न, इस भिन्न का उल्टा करके आप लोग भाग दीजिएगा, कौन सा आंसर आएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए चलते हैं खंड नंबर 3 पर, जो कि आपका गद्यांश आएगा। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम खंड नंबर 3 पर, जो कि गद्यांश है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं और उसका आंसर देते हैं क्वेश्चन का। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि संसार में शांति व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, कौमा मोहम्मद, चैतन्य, कौमा नानक आदि महापुरुषों ने धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश किया, कौमा किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जितना रक्तपात हुआ उतना और किसी कारण से नहीं, पर धीरे धीरे मनुष्य अपनी सुबुद्धि से धर्म के कारण होने वाले अनर्थ को समझने लग गया है। और क्या है, भौगोलिक सीमा और धार्मिक विश्वास जनिक भेदभाव अब धरती से मिटते जा रहे हैं। विज्ञान की प्रगति तथा संसार के साधनों में वृद्धि के कारण देश की दूरियां कम हो गई हैं। इसके कारण मानव मानव में घृणा, कौमा ईर्ष्या, वैमनस्य कटुता में कभी कमी नहीं आई। मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है शिक्षा का व्यापार प्रसार। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि लिखा है कि 61 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 61 में मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा। तो इसका आपका हो जाएगा, गद्यांश में आया था, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मनुष्य अपनी शुद्ध बुद्धि से अनर्थ के समझने लगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए कि लिखा क्या है, वृद्धि का परिणाम क्या हुआ। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि का परिणाम देशों को दूरियां कम हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 63 पे चलिए देखते हैं, इसमें क्या है, देश में आज भी क्या है दोस्तों। तो देश में आज भी वर्ण भेद की समस्या है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 64 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 में क्या लिखा है, प्रश्न लिखा है कि किस कारण से देश में मानव के बीज, कौमा घृणा, कौमा ईर्ष्या, वैमनस्यता एवं कटुता में कमी नहीं आई है। तो इसका आपका हो जाएगा, वर्ण भेद के कारण नहीं आई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द कल्याण का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए, भलाई होगी कल्याण का पर्यायवाची। तो चलिए चलते हैं गद्यांश नंबर 2 पर। तो दोस्तों गद्यांश 2 पर देखिए तो गद्यांश नंबर 2 पर तो क्या लिखा है इसमें कि संघर्ष के मार्ग में अकेला ही चलना पड़ता है, कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है। परिश्रम, कौमा दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 2 महत्वपूर्ण तत्व स्मरणीय हैं, प्रत्येक समस्या अपने साथ संघर्ष लेकर आती है, प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक ने छोड़ने वाले अपने छात्रों को यह संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं के संघर्ष करने को अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चलें, सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष यह है, कौमा की संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना अहितकर है, कौमा मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, कौमा उठिए, दृढ़ संकल्प और उत्साह एवं साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा है कि मनुष्य को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 66 का ऑप्शन नंबर डी।
बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है? परिश्रम कमा दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे, अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए क्या होगा। इसका आंसर लिखा है कि प्रत्येक समस्या अपने साथ लेकर आती है क्या। तो प्रत्येक समस्या लेकर आती है संघर्ष अपने साथ लेकर आती है। तो क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए दोस्तों, 68 में क्या है कि समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष क्या है। तो समस्त ग्रंथों और अनुभवों का निष्कर्ष संघर्ष से डरना या विमुख होकर अहितकर है। तो 69 का चलिए देखते हैं, 69 का क्या हो जाएगा आपका। तो लिखा है कि गद्यांश में प्रयुक्त शब्द गुण का विलोम शब्द क्या है। तो गुण का विलोम शब्द है अवगुण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए क्या है कि लिखा है कि संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़ने के लिए आवश्यक है। तो क्या होगा? दृढ़ संकल्प कमा उत्साह एवं साहस है। तो चलिए चलते हैं गद्यांश नंबर 3 पर। तो दोस्तों गद्यांश नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है कि लिखा है कि कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही है। अत्यंत सुगढ़ता से किया हुआ कार्य भी अति आवश्यक पूर्व ना हो सके तो उसका किया जाना निष्फले ही होगा। चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। उसके देर से किए गए उद्यम का कोई मूल्य नहीं होगा। श्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। इसी कारण यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल कृषक की फसल को फलने फूलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ ही है। औसत का सदुपयोग ना करने वाले व्यक्ति को इसी कारण पश्चाताप करना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 71 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए क्या कह रहा है कि जीवन में समय का महत्व क्यों है। तो जीवन में समय का महत्व है ऑप्शन नंबर सी। तो क्या है? समय पर किया गया काम सफल होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए कि क्या लिखा है कि खेत का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है। तो ये क्या होगा? समय पर खेत की रखवाली नहीं करता है इसलिए उपहास का पात्र बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है? गद्यांश में प्रयुक्त शब्द जल का पर्यायवाची क्या है। तो जल का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम में विलोम भी याद कर लीजिएगा, पर्यायवाची शब्द भी याद कर लीजिएगा, तो ये सब भी आपको आ जाता है। जैसे कि इसमें देखिए गद्यांश में प्रयुक्त शब्द जल का पर्यायवाची दिया गया है तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। तो क्वेश्चन नंबर 74 देखिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है कि बादल का बरसना व्यर्थ है यदि यदि फसल को लाभ ना पहुंचे तो यही व्यर्थ है। तो क्वेश्चन 75 पर देखिए दोस्तों। तो क्वेश्चन 75 में क्या होगा? लिखा है कि गद्यांश का मुख्य भाव क्या है। तो गद्यांश का मुख्य भाव है समय का सदुपयोग। तो चलिए चलते हैं अपने अगले गद्यांश, गद्यांश नंबर 4 पर। तो दोस्तों देखिए गद्यांश में क्या कह रहा है। लिखा है कि मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है कौमा वह है उसकी विचार शक्ति। मनुष्य के पास बुद्धि है कौमा विवेक है कौमा तर्क शक्ति है अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। अपने सुविचारों की नींव पर ही आज मानव ने अपने श्रेष्ठता की स्थापना की है और मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। यही कारण है कि विचार मनुष्य के पास जब सुविचारों का अभाव रहता है तो उसका वह शून्य मानक कुविचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार से शैतान के वशीभूत हो जाता है। मानवी बुद्धि जब सद्भावों से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त रहती है कौमा तो उसकी सादृश्यता का कोई अंत नहीं होता। किंतु जब वह कुविचार अपना घर बना लेते हैं कौमा तो उसकी पाश्विक प्रवृत्तियां उस पर हावी हो उठती हैं। हिंसा और पापाचार का दानवी साम्राज्य इस बात का द्योतक है कौमा की मानव विचार शक्ति कौमा जो उसे पशु बनने में रोकती है तो उसका साथ देती है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए दोस्तों। तो 76 में क्या होगा आपका? लिखा है मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। तो मानव जाति को महत्व देने में विवेक और विचारों का
महत्व है। तो आप लोग गद्यांश एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा अपने से, तो और समझ में आ जाएगा, तो उसका आंसर देने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। तो क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए दोस्तों, लिखा है कि विचारों को पूंजी में शामिल नहीं है। तो विचारों को पूंजी में क्या शामिल नहीं है? उत्साह नहीं शामिल है विचारों को पूंजी में। तो 78 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, तो 78 में क्या है कि मानव में पाशविक प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। तो मानव में पाशविक प्रवृत्तियां कुविचारों के कारण जागृत होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 79 में क्या होगा? गद्यांश में प्रयुक्त शब्द शून्य का पर्यायवाची है। तो शून्य का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? अंबर है शून्य का पर्यायवाची। तो क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है? लिखा है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक विवेक शक्ति हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। तो आप लोग इस मॉडल पेपर को परचेज कीजिए, जो कि आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।